दोस्तों, बंदर से मनुष्य में बदलने की वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई थ्योरी तो आपने सुनी ही होगी, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से मनुष्य के शरीर में समय के साथ बदलाव आए और किस तरह हमारा शरीर एक असल मानव की तरह बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, ये सब तो आप बचपन से ही अपनी किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी विशाल मानवों के बारे में जानने की कोशिश की है? वैसे कई मूवीज में हम इन विशाल मानवों को देख चुके हैं जो इंसानी शरीर से कई गुना बड़े होते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मूवी में दिखाए गए इन विशालकाय मानवों के धरती पर मौजूद होने की पुष्टि की जा चुकी है तो शायद आप चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी खोजों के बारे में जो विशाल दानवों की मौजूदगी पर सवाल खड़ा करते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आइए दोस्तों, आपको रूबरू करवाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की इन खोजों से जो आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देंगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय जाया न करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट को समय समय पर पुराने स्केलेटन्स यानी हड्डियों के ढांचे मिलते रहते हैं, लेकिन चौंका देने वाली बात तो तब हुई जब उन्हें 19वीं सदी के आखिर में ऐसे स्केलेटन्स मिले जिनमें सबकी हाइट आम इंसानों से काफी लंबी थी। जी हाँ दोस्तों, सभी स्केलेटन्स की हाइट बहुत लंबी थी और इनमें से ज्यादातर स्केलेटन के सर तो 1 फीट से भी ज्यादा लंबे थे। जब इन खोजकर्ताओं ने ये चीज देखी तो वो दंग रह गए, क्योंकि समय के साथ स्केलेटन का साइज छोटा होता रहता है और अगर 19वीं सदी के अंत में मिले स्केलेटन का आकार इतना बड़ा था तो जब वो धरती पर जीवित होंगे तो उनका आकार कितना बड़ा होता होगा। और दोस्तों, इतने बड़े आकार के स्केलेटन को देखकर खोजकर्ताओं के पास भी कोई जवाब नहीं था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि ये बात भी सामने आई कि आज से लाखों साल पहले जो मनुष्य धरती पर रहते थे उनका आकार हम मनुष्यों के मुकाबले काफी बड़ा था। तो इस बात की पूरी संभावना है कि 19वीं सदी के अंत तक जो स्केलेटन मिले वो उन्हीं विशाल जीवों के हो सकते हैं जो लाखों साल पहले हमारी धरती पर राज किया करते थे। दोस्तों, 1952 में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीजें मिली जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। जी हाँ दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा शव मिला जो तकरीबन 220 बीसी में इस धरती पर जिंदा था। जी हाँ दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, 200 बीसी में तो बहुत से लोग जिंदा थे जो आज नहीं है। लेकिन किसी ऐसे शख्स की बॉडी मिलना जिसकी मृत्यु 200 बीसी में हुई हो, क्या उस बॉडी में बाल और नाखून होने की संभावना हो सकती है? नहीं ना। लेकिन रिसर्च के दौरान पाया गया कि इस शव के बाल और नाखून के साथ साथ बॉडी के कई हिस्से बिल्कुल खराब नहीं हुए थे और इस व्यक्ति की मौत की वजह के साथ साथ ये पता चल गया कि इसने मरने से पहले खाया क्या था। अब दोस्तों, आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतनी पुरानी बॉडी का इस हालत में मिलना किसी अजूबे से कम नहीं है। दोस्तों, कुछ सालों पहले एक 4 मीटर लंबा जीसस का शेड मिला जिसके बारे में ज्यादातर लोगों का मानना है कि वो असली है, लेकिन रिसर्च करने वालों ने इसे असली मानने में हाँ नहीं भरी है। हालांकि ये शेड रिसर्च करने वालों के लिए काफी फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग है, लेकिन धार्मिक चीजों से जुड़ी होने की वजह से इस चीज पर रिसर्च करना उस लेवल पे संभव नहीं हो पा रहा है जिस लेवल पे होना चाहिए और जिस वजह से इसके असली होने पर आज भी सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस शेड की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो पिक्चर्स बने हैं वो काफी क्लियर हैं, जो काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इतने पुराने शेड में इतनी क्लियर पिक्चर वो भी एकदम अनोखे तरीके से होना काफी चौंकाने वाली बात मानी जाती है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन में जब आर्कियोलॉजिस्ट जमीन के अंदर रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट मिला जो हूबहू नोकिया मोबाइल फोन जैसा था। और जब इस फोन जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट पर रिसर्च किया गया तो पाया गया कि चीज 2800 साल पहले की है और ये ऑब्जेक्ट बहुत ही पुराना था। ये ऑब्जेक्ट था क्या, ये तो साइंटिस्ट को पता नहीं चला, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की मिट्टी और इसके अंदर जिन चीजों का प्रयोग किया गया था वो काफी पुराना था, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट भी जानकर दंग रह गए थे। आपको बताएं, इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई थी उससे ये पता चला कि ये ऑब्जेक्ट ऑस्ट्रेलिया का नहीं बल्कि मेसोपोटामिया का है। दोस्तों, चाइना के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा जिन्होंने अपने टाइम में चाइना के लोगों के लिए काफी भलाई वाले काम किए थे और जब ये 32 साल के थे तो उनके दिमाग में अपनी आर्मी को हमेशा के लिए जिंदा रखने का आइडिया आया, जिस वजह से उन्होंने अपनी आर्मी के लोगों की मूर्तियां बनवाई जिसकी संख्या लगभग 8000 से ज्यादा थी। और दोस्तों, इस विशाल आर्मी की खोज 1976 में रिसर्च के द्वारा की गई थी, जिसे देखकर सभी लोग चौंक गए थे कि कोई इस तरह की अतरंगी चीज भी कर सकता है क्या, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी के साथ घोड़ों का भी पुतला बनवाना कोई आसान बात नहीं है। अब दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज से 250 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की गई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि करीब 2000 साल पहले मेसोपोटामिया में आज के समय जैसी इलेक्ट्रिसिटी थी? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं होता तो हम आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट को आज से कुछ सालों पहले 6 AD की बैटरी मिली थी जो उस समय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती थी। इसके अंदर सिलेंडर शेप की कॉपर ट्यूब भी लगी हुई है और उस ट्यूब के अंदर आयरन की एक रॉड भी मिली है जिससे उस समय ये लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे और इन्हें पार्थन बैटरी के नाम से जाना जाता है। हालांकि रिसर्च करने वाले लोग पुख्ता तौर पर ये नहीं बता पाते कि इन बैटरियों का आखिर इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, क्योंकि उस जमाने में वो इक्विपमेंट्स नहीं हुआ करते थे जिन्हें चलाने के लिए बैटरी की जरूरत पड़े। लेकिन अगर ये बैटरी मौजूद हैं तो ऐसा कुछ जरूर रहा होगा जो इन बैटरियों पर चलता होगा, लेकिन इस बात से ये तो पक्का है कि पहले के लोग भी काफी एडवांस थे।
दोस्तों, मुआ नामक बर्ड्स बहुत सालों पहले 15वीं शताब्दी में पाई जाती थी, जिसकी लंबाई 4 मीटर और वजन 250 किलोग्राम होता था। और दोस्तों, इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि ये पक्षी कितनी विशाल थी। लेकिन कुछ सालों पहले रिसर्चर्स को न्यूजीलैंड में इस बर्ड का कटा हुआ पैर मिला, जो कि बहुत ज्यादा पुराना नहीं था। और खोजकर्ताओं को ये समझ में नहीं आया था कि कैसे ये बर्ड आज से 500 साल पहले धरती पर पाई जाती थी और उसका कटा हुआ पैर इस समय कैसे मिल सकता है, क्योंकि इस बर्ड का अस्तित्व 500 साल पहले हमारी धरती से कम होने लगा था। और इस तरह अचानक से इस बर्ड का पैर मिलना खोजकर्ताओं की समझ से बाहर हो रहा था, जिसे देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सच में इतनी बड़ी विशाल बर्ड्स हमारी धरती पर कहीं वापस तो नहीं आ गई है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी बर्ड्स हमारी धरती पर वापस आ गई तो हम इंसानों के लिए खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, जब आप कुस्टारी का शब्द सुनते होंगे तो आपके मन में पहली चीज अरेबियन सी के पास मौजूद जो सुंदर सी जगह है वो आती होगी, जहां पर हैं बड़े से रेन फॉरेस्ट, सुंदर सी बीचेस और सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े गोलाकार पत्थर। लेकिन दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि सुंदर बीच और रेन फॉरेस्ट तो ठीक है, लेकिन इन गोलाकार पत्थरों के पीछे का राज क्या है? तो दोस्तों, इसके लिए आपको आज से करीब 90 साल पीछे जाना होगा, जब कोस्टारिका में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने उस जगह पर केले के प्लांटेशन के लिए सही जगह ढूंढने की सोची। और जब यहां खुदाई की गई तो सैकड़ों की संख्या में गोलाकार पत्थर मिले। हालांकि उनमें से कुछ पत्थरों के डायमीटर कुछ इंच ही थे, लेकिन कुछ पत्थर बहुत बड़े थे। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट को इन पत्थरों के बनाए जाने की असली वजह तो नहीं पता चल पाई, लेकिन कहा जाता है कि जिस समय ये पत्थर बने थे उस समय कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए उन पत्थरों को डिवाइडर की तरह यूज किया जाता था, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों को गोल शेप देना उस समय चलन में था। तो दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट की ये खोज कैसी लगी आपको, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।